हेलो गाइस, वेलकम टू री 3Define। आज हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसकी स्टोरी और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी जानने वाला है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। आज हम पाइथागोरस कप के बारे में जानने वाले हैं। ये कप बाहर से दिखने में एक नॉर्मल कप की तरह दिखता है, बट अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा और इस इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ये कप डिफाइन होता है। पाइथागोरस 570 टू 595 BC के वक्त का एक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था जिसने ये कप का इन्वेंशन किया था। इस कप को पाइथागोरस उसके स्टूडेंट्स या उसके कोवर्कर को मॉडरेशन में ड्रिंक करने के लिए बनाया गया था, और कोई ज़्यादा ग्रीडी होकर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा ड्रिंक ना ले उसके लिए भी ये कप उसने बनाया था। जब कोई ये कप इसके इंडिकेटर तक अगर या वाइन से या किसी भी ड्रिंक से भरेगा तो ये कप एक नॉर्मल कप के तरह बिहेव करता है, पर जब कोई इस ग्लास में इसके इंडिकेटेड लेवल के से ऊपर कोई ड्रिंक भरता है तो सारा का सारा लिक्विड इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू इसके बॉटम होल से बाहर निकल जाता है, जिससे पूरा ग्लास एम्प्टी हो जाता है। तो ये कप कैसे काम करता है? इस कप के इंटरनल रॉड के अंदर एक यू बेंड पाइप होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जब हम इसमें लिक्विड इंडिकेटेड लेवल तक भरते हैं तो कुछ नहीं होता और हम इसे एक नॉर्मल कप के जैसे यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम इससे उसके इंडिकेटेड लेवल से ज़रा भी ऊपर जाता है तो लिक्विड यू बेंड से नीचे आ जाने लगता है। जब एकदम थोड़ा भी लिक्विड पाइप से नीचे आता है तो पाइप में एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, जबकि बाहर वाले लिक्विड के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसलिए इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक साइफन इफेक्ट क्रिएट होता है, वैसे ही जैसे गाड़ी से पेट्रोल निकालते वक्त किया जाता है। इस साइफन इफेक्ट की वजह से पूरा लिक्विड बाहर फ्लो हो जाने लगता है, तब तक कि इसके अंदर का पूरा लिक्विड ख़त्म नहीं हो जाता। ये था पाइथागोरस कप का वर्किंग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम इस कप को डिज़ाइन करने वाले हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्लाइस करेंगे। वंस द ऑब्जेक्ट इज स्लाइस्ड, अब हम इसे प्रिंट करेंगे। स्क्रीन पर आपको प्रिंट डिटेल्स भी मिल जाएंगे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये कप एक्चुअल में काम करता है क्या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी इसके इंडिकेटेड लेवल तक भरा है। जब पानी या कोई भी लिक्विड इस लेवल पे होता है सो इट फंक्शंस एज ए नॉर्मल कप। जैसे अभी मैं इट फंक्शंस एज ए टोटली नॉर्मल कप, बट जब हम कोई भी लिक्विड इसके इंडिकेटेड लेवल के ऊपर जाता है तो आप देख सकते हो अब जैसा कि देख सकते हो पानी इसके इंडिकेटेड लेवल के ऊपर चला गया। एंड वंस इट हैपेंस इसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइफन इफेक्ट क्रिएट होता है और स्लोली स्लोली इसके पूरा पानी इसके बॉटम के पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो आप देख सकते हैं इसका पूरा पानी ख़त्म हो गया है। ये था पाइथागोरस कप। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ एन गुड एग्जांपल कि हम लोग कहाँ पे 3D प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो इंटरनल ज्योमेट्री है वो लाइक मैनुअल प्रोसेस से बनाने जाएंगे सो इट कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट, बट 3D प्रिंटिंग से ये बहुत ईजीली बन जाता है।
सो ये था वीडियो रिगार्डिंग द पाइथागोरस कप। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर दो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिस ना करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग। पाइथागोरस कप के बारे में थोड़ा नीचे।